पाकिस्तान में, फिर गिलगित बल्तिस्तान में और अब सिंध में प्रोटेस्ट होने लगे हैं। कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। पहले प्रोटेस्ट हो रहे थे कि हमें राइट दिया जाए, लेकिन अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट राइट नहीं दे सकती तो फिर हमें अलहदा स्टेट बना दिया जाए। बलोचिस्तान का साबिक वजीर अला कह रहा है कि जिनके खिलाफ तुम लड़ रहे हो फौजी ऑपरेशन बलोचिस्तान में कर रहे हो, ये आजादी की तहरीक लड़ रहे हैं। अस्पतालों में अद्वियात नायाब हो गई, आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। घाटे की बात कर रहे हैं भाई, आप पानी को भी तरसेंगे इस मुल्क में। एस्टैब्लिशमेंट परेशान है, एस्टैब्लिशमेंट परेशान है, एस्टैब्लिशमेंट को इस चीज का अंदाजा है कि ये चीजें उनके हाथ से निकल गई हैं। अलमिया है पाकिस्तान का कि आपने सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश इसीलिए अलहदा करवाया था हमसे कि हमने उनके राइट्स भी उनको नहीं थे दिए। इंडिया बहुत बेहतर तरीके से अपना बयानिया जो है वो दुनिया के सामने पेश करता आ रहा है और बहुत बेहतर तरीके से करता आया है हमेशा से, जिसकी वजह से आपकी बात को उस कदर अहमियत नहीं दी जा रही। जो इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है, जो खबर आ रही है, वो पाकिस्तान में फूड क्राइसिस और फूड की शॉर्टेज तेजी से बढ़ती जा रही है। रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, पहले बलोचिस्तान में, फिर गिलगित बल्तिस्तान में और अब सिंध में प्रोटेस्ट होने लगे हैं। और पहले प्रोटेस्ट हो रहे थे कि हमें राइट दिया जाए, लेकिन अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट राइट नहीं दे सकती तो फिर हमें अलहदा स्टेट बना दिया जाए। पाकिस्तान की पब्लिक से, पंजाब की पब्लिक से ये पूछूंगा कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्यों राइट नहीं दे पा रही। और ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं बलोचिस्तान में, तो हम कह देते हैं कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, रॉ की इन्वॉल्वमेंट है। गिलगित में भी हम यही कैसे नजर आते हैं, क्या सिंध में भी हम ऐसा ही कोई लॉजिक रखेंगे या फिर अपनी गलती को देखेंगे और उसे बेहतर करेंगे। पाकिस्तान में फूड क्राइसिस बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और इसके अलावा पहले बलोचिस्तान, फिर गिलगित बल्तिस्तान, अभी सिंध में प्रोटेस्ट चल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर आप हमें हमारे बेसिक राइट नहीं दे सकते तो सिंधु देश हमें अलहदा कर दें, मतलब यह है कि वो हमें एक अलहदा स्टेट बना दें। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कुछ लोग ये जो कह रहे हैं? मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मौजू के लिए मुझे चुना, लेकिन ये अलमिया है पाकिस्तान का कि आपने सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश इसीलिए अलहदा करवाया था हमसे कि हमने उनके राइट्स भी उनको नहीं थे दिए। अगर आपने राइट्स सूबों को अपने नहीं देने या उनके साथ हमने खुसरे सलूक अच्छा नहीं करना, तो ऑटोमेटिकली बात है कि लोग अपने हक मांगेंगे। आप यकीन करें कि सिंध में सिर्फ और सिर्फ पानी इसलिए नहीं निकाला जा रहा कि हमें कहीं से फंडिंग आनी है, वो हमारी फंडिंग ना रुक जाए। अभी तक सिंध में टोटल पानी वहीं का वहीं खड़ा है, तो उनका दिल नहीं करता कि पानी निकाले, क्योंकि पानी निकाल दिया। फ्लड वाले पानी की बात करें, वही आपने ये फंडिंग तो बहरहाल बहुत ज्यादा आई है, ऐसी ऐसी जगहों से ही है जहाँ से हम बायकॉट, फ्रांस की अगर बात करें जी, हम फ्रांस को कोई रिलेशन नहीं चाहते, फ्रांस को बायकॉट और फंडिंग वहाँ से ले लिया है। हमने बांग्लादेश की बात की है कि कतर में बांग्लादेश हमारे से लहदा हो गया, हमने राइट नहीं दिए थे। क्या देख रहे हैं अभी हम जैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जैसे वहाँ के लोग डिमांड करने लगे हैं, ये मेरे ख्याल से अभी पहली दफा ऐसा हो रहा है कि सिंध में ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बलोचिस्तान में कभी पहले होते थे, गिलगित में भी शायद अभी पहली दफा हो रहा है। अब हर जगह पे बलोचिस्तान हो, गिलगित हो या सिंध हो, वहाँ पे वो कह रहे हैं हमें अलहदा स्टेट बना दें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका बड़ा जबरदस्त मौजू है, इसको आज ही इसके आगे बंद बांध लें ताकि ये बढ़ता 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 बढ़ जाएगा। आप हर सूबे को उसके हकूक दे, हर इंसान को अपने हकूक दे। एस्टैब्लिशमेंट परेशान है, एस्टैब्लिशमेंट परेशान है, एस्टैब्लिशमेंट को इस चीज का अंदाजा है कि ये चीजें उनके हाथ से निकल गई हैं, लेकिन वो थोड़ा सा इसलिए परेशान है कि चीजें अनसेटल हो गई हैं। और ये जो बलोचिस्तान के लोगों से पूछे जिनको हम समझते हैं, बलोचिस्तानों को सियासतदानों की कोई वैल्यू नहीं है, इनके लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। अब मजे की बात है कि बलोचिस्तान का साबिक वजीर अला कह रहा है कि जिनके खिलाफ तुम लड़ रहे हो फौजी ऑपरेशन बलोचिस्तान में कर रहे हो, ये आजादी की तहरीक लड़ रहे हैं। सो दैट इज वेयर आपका जो सारे का सारा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने अगर आप, इफ यू आर वॉचिंग मी इन दिस